Dear students, welcome to the lecture series on periodic properties. And this is part 8, where we will discuss about the applications of electronegativity. तो बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे और यहां हम पढ़ेंगे कि वैद्युत ऋणात्मकता की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां पर ये यूजफुल होती है. तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है इसकी वो है परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स. मतलब जो हम पहली पढ़ रहे हैं वो है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कितना कोवेलेंट करेक्टर है, ओके, तो और या कितना आयनिक करेक्टर है. तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर भी होता है. उसके लिए दो स्केल दी गई जो कोवेलेंट करेक्टर को डिसाइड करने के लिए, या आप कह सकते हैं कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड को डिसाइड करने के लिए दो स्केल्स हैं, एक है पॉलिंग स्केल और एक है हैनी स्मिथ स्केल. और पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है, इफ इट इज लेस देन 1.7, देन दी कंपाउंड विल बी लेस देन 50% आयनिक. तब क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा वो 50% से कम आयनिक होगा, मतलब 50% से अधिक वो कोवेलेंट होगा. अगर ये डिफरेंस दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इट इज ग्रेटर देन 1.7, देन दी आयनिक करेक्टर इज मोर देन 50%. तब क्या होगा, जो आयनिक करेक्टर है वो मोर देन 50% होगा. फिर हैनी एंड स्मिथ ने इस पे एक स्केल दिया और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये डिफरेंस जो एक्स ए जो काई ए एंड काई बी के बीच में जो डिफरेंस है इट इज लेस देन 2.1, then it the compound is having less than 50% ionic character. तो अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के में डिफरेंस पता चले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो डिफरेंस 2.1 से कम है तो कंपाउंड 50% से कम आयनिक है, अगर डिफरेंस 2.1 से अधिक है तो ये कंपाउंड 50% से अधिक आयनिक है. तो ये जो हैनी एंड स्मिथ स्केल है इसके अकॉर्डिंग आई विल शो यू हाउ वी कैन डिसाइड दी परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. So this is the Henney-Smith's equation. Equation क्या है, percentage ionic character is equal to 16 into difference of electronegativity plus 3.5 into the square of the difference of the electronegativity of two atoms. So this is the simple formula. अगर हमें पता है कि A atom की एक atom की electronegativity क्या है और B atom की electronegativity क्या है तो हम आसानी से percentage ionic character calculate कर सकते हैं. So according to this equation the percent ionic character can be calculated. देखिए HF के केस में ये percent ionic character 43 आता है और जो difference है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में H और F की वो 1.9 है और आप देख सकते हैं इट इज लेस देन 2.1. ये देखिए 2.1 से कम है, यानी आयनिक करेक्टर जो है वो 43% से कम है. HCl को अगर हम देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है ये 0.9 है और परसेंट आयनिक करेक्टर आप देखेंगे और कम होता जाएगा और ये 17% है. HBr के केस में अगर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये 0.4 है तो परसेंट आयनिक करेक्टर और कम हो गया और HI के केस में परसेंट आयनिक करेक्टर और कम हो जाएगा. मतलब अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि HI में सबसे कम आयनिक करेक्टर है और HF में सबसे अधिक आयनिक करेक्टर है. इसका मतलब HI में कोवेलेंट करेक्टर अधिक है क्योंकि ये देखिए जो HF है फिर भी आप देखेंगे आयनिक करेक्टर जो है वो लेस देन 43% है. तो बहुत आयनिक तो ये नहीं है लेकिन अगर हम इन चारों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसका है, HF का है. सेकेंड जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर. तो ये अगर हमें पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, कैसी है किसी एलिमेंट की, तो क्या वो मेटलिक नेचर का होगा या वो नॉन मेटलिक करेक्टरिस्टिक उसकी होगी. तो अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो क्या कहलाता है, मेटल, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी अधिक होती है. जैसा आपने देखा था कि जो अगर एक मेटल होगा तो मेटल जो है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो वो आसान
आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं. सो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. इसलिए मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है दे आर नॉन मेटल्स. जैसे अगर आप हैलोजेंस को देखेंगे, राइट साइड पीरियोडिक टेबल के आप देखेंगे तो वो नॉन मेटल्स होंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स ड्यू टू देयर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्म. तो जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसी है वो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ बॉन्ड दैट आर फॉर्मिंग बॉन्ड, अगर वो कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड की कम होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम का मतलब है कि वो कम आयनिक करेक्टर का होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी. अगर दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा तो कैसा बॉन्ड नेचर होगा, कुछ आयनिक करेक्टर अधिक होगा वहां पर और उसकी जो बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं बॉन्ड जो बन रहा है उसकी. Now, the next application is that the electronegativity is helpful in discussing the nature of oxides. Oxides ke acidic aur basic behavior ke baare mein hum electronegativity ke basis par bata sakte hain. For example, ye oxides hain. In oxides ke case mein agar aap dekhenge from left to right, the acidic character of the oxides increases. तो ये जो ऑक्साइड है Na2O ये मेटल का ऑक्साइड है और जो Cl2O7 है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है. और यहां पर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं ऑक्साइड्स के केस में तो ये डिक्रीज हो रहा है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ेगा और जो बेसिक नेचर है वो कम होगा. तो लेफ्ट साइड के जो ऑक्साइड्स हैं जो कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वहां पर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे अधिक है. तो ये जो है स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, यानी जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होगा वो बेसिक नेचर के होंगे और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स होंगे. नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल्स. तो जो बॉन्ड एंगल्स हैं मॉलिक्यूल्स में वो वेरी करते हैं एंड दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, जिसको जो उसको विस्तार से डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं. वेस्पर थ्योरी पर बेस्ड है वैसे ये, तो यहां पर आपको बहुत समझा नहीं रही हूं क्योंकि ये पूरी वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है. केवल आपको डाटा दिखा रही हूं कि ये PF3 है, सेम सेंट्रल मेटल एटम है बट जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई. ये देखिए यहां पर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, देन Cl की, देन Br की, देन I की. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नहीं हो रही है, वो वही है. तो आप देखेंगे जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जा रहा है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करती है. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं अभी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी डिक्रीज होगी बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा. और यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, सेंट्रल एटम देखिए एन है, पी है, AsSb, बट द सराउंडिंग एटम्स आर सेम. सराउंडिंग एटम्स क्या है, क्लोरीन है. तो इसका मतलब है जैसे जैसे सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, देखिए Sb to N बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. जैसे यहां पर एग्जांपल आपको दिया है H2 और H2S का, तो सराउंडिंग एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम O2S बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज. तो ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं, एक तो सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है और एक सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है. तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो इंक्रीज, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से. इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली वेस्पर थ्योरी की हेल्प से. बहुत इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हम बता सकते हैं कलर ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स के कलर ऐसे क्यों होते हैं.
अब आपने देखा था कि हम अगर हमें पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंट आयनिक करेक्टर। और अगर हमें परसेंट आयनिक करेक्टर पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि कौन सा जो आयनिक सॉलिड है वो कलर्ड होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ये एक देखिए एक पॉइंट है कि आयनिक करेक्टर अगर 20% से कम होता है तो कंपाउंड कलर्ड होता है। और ये आयनिक करेक्टर हमने कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो अब आप देखिए डिफरेंट सॉल्ट्स मैंने लिखे हैं। EgCl व्हाइट कलर का होता है और यहाँ पर परसेंट आयनिक करेक्टर होता है 82%। AgBr जिसका कलर पेल येलो होता है उस पर परसेंट आयनिक करेक्टर होता है 24%। AgI जो कि येलो कलर का होता है और उस पर परसेंट आयनिक करेक्टर होता है 15। Ag2S जिसका कलर ब्लैक होता है उसका परसेंट आयनिक करेक्टर कितना है, 9%। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंट आयनिक करेक्टर 20 से कम हो रहा है, देखिए 15 और 9%, तो आप देखिए ये इनका कलर जो है वो बहुत डार्क कलर है जो आयनिक सॉलिड होंगे। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल रहा है कि कलर ऑफ सॉल्ट क्यों डार्क कलर के होते हैं और क्यों लाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो है हम क्या बता सकते हैं अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ XOH मॉलिक्यूल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में अगर XOH टाइप का कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी हम एसिडिक या बेसिक बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए XOH इसमें तीन एटम्स हैं X, O एंड H। तो अगर हम इसके दो बॉन्ड्स की पोलैरिटी को देखें तो आप देखिए अगर मैं O बॉन्ड और H, O और H एक बॉन्ड है, एक OX बॉन्ड है, देखिए OX बॉन्ड और OH बॉन्ड। तो अगर मैं इनकी पोलैरिटी की बात करूं, अगर X और O के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर ये अधिक होगा O और H के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। देखिए OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OX के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से अधिक है। OH का डिफरेंस अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और XO का कम है। ओके, तो क्या होगा, जो OH बॉन्ड होगा देखिए ये पोलर हो जाएगा, ये पोलर होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा, तो ये क्या देगा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस, ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। अब अगर हम इसका अपोजिट देखें, हम ये कहें कि जो X और O ये जो बॉन्ड के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर ये अधिक हो और O और H के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो तो XO बॉन्ड क्या होगा, अधिक पोलर होगा। तो ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हो सकता है, X और O के बीच में, तो अगर X और O के बीच में ये ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा, OH माइनस मिल जाएगा। तो यानी इस तरीके का सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि H प्लस आयंस जनरेट होंगे या OH माइनस आयंस जनरेट होंगे और उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, क्या वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा। Now the other application is the acidic nature of oxy acids. So acidic nature of oxy acids को भी हम describe कर सकते हैं with the help of electronegativity. अब देखिए ये example है oxy acids हैं, ये HClO4 है, HBrO4 and HIO4. तो यहाँ पर आप देखिए जो Cl है उसकी electronegativity सबसे अधिक है, then Br की, then I की। तो क्या होगा, Cl की tendency OH bond में से electrons को attract करने की सबसे अधिक होगी। अगर हम structure draw करें, देखिए कुछ इस तरीके से structure आएगा Cl, ओके, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड OH। तो यहां पर जब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी तो ये इस बॉन्ड को इजीली तोड़ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस O को क्या करेगा, स्लाइटली पॉजिटिव बना देगा। अगर हम इसका कंपैरिजन करें Br के साथ तो Br के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी विद रेस्पेक्ट टू दिस क्लोराइड। तो इसलिए जो है ये जो बॉन्ड है वो उतनी आसानी से नहीं टूटेगा जितनी आसानी से HClO4 में टूटेगा। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद I के केस में क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो ये अपनी ओर को जो अट्रैक्शन है ये बहुत कम अमाउंट से करेगा, इसलिए जो बॉन्ड ब्रेक होगा OH वो आसानी से किस में होगा, HClO4 में, इसलिए HClO4 सबसे अधिक एसिडिक है। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया है, ये
एसिडिक बिहेवियर का है, यानी जो जो HClO4 है, इट इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज एसिड्स ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो इस तरीके से हम एसिडिक नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम देख रहे हैं वो है डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो आप एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं और वहां पर आप देखेंगे जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं और जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती हुई है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरोन की सिलिकॉन से, कार्बन की फॉस्फोरस से। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेकेंड और थर्ड पीरियड की उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इस रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं देखूं कि बेरिलियम को और लिथियम को देखूं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इंक्रीज हो रही है तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से अधिक होगी। टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी और मैग्नीशियम की कम होगी। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी और मैग्नीशियम की कम होगी। तो इस तरीके से आप देखिए, बेरिलियम की लिथियम से भी अधिक है और मैग्नीशियम से भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम और लिथियम बराबर हुए अगर हम इस रिलेशनशिप से देखें, तो इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, एक सी हो जाती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी है तो इसलिए ये दोनों के दोनों लगभग एक सी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो यही कारण है, एक कारण और होता है पोलराइजेशन पावर का, बट यहां पर हम केवल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जैसे डायगोनल जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। इस तरीके से हम डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है हीट ऑफ फॉर्मुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए, और ये पॉलिंग की इक्वेशन है जहां पर काई एक्स एंड काई वाई ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स एंड वाई का। अगर एक्स वाई एटम प्रेजेंट हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, तो ये फॉर्मूले से हम उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर सिग्मा क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, कितने टोटल बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट है, वो बॉन्ड है। एन एन क्या है, एन है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल में कितने हैं, एन ओ है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो इसकी हेल्प से हम आसानी से हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ। ए बी टाइप मॉलिक्यूल की हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कुछ हेट्रोमोलिक्यूलर हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज है ए बी मॉलिक्यूल। तो ये जो इक्वेशन है शोमेकर एंड स्टीवेंसन की इक्वेशन है, और इनके अकॉर्डिंग जो हमने यहां पर जो लिखा है वो पीकोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में हम ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी नो दी रेडियस इन पीकोमीटर और एंगस्ट्रॉम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स, तो हम आसानी से इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी टाइप मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर कैसा होता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट देखिए हाइड्राइड्स को देखें, CH4NH3H2HF, तो आप ये देखेंगे जो जो C है, N है, O है, F है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो अधिक है। तो HF में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, तो इसका मतलब ये H को आसानी से रिलीज कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो एसिडिक जो हाइड्राइड्स हैं उनका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। सो दिस इज द एसिडिक नेचर ऑर्डर फॉर द हाइड्राइड्स। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा हाइड्राइड सबसे अधिक एसिडिक नेचर का होता है। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ आई विल समराइज वन बाय वन। हमने देखा कि परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड हम निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड भी हम निकाल सकते हैं। ओके हम बता सकते हैं अबाउट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्म, कैसा स्टेबिलिटी होगा जो बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर वो आयनिक बॉन्ड उसमें करेक्टर ज्यादा होगा तो वो स्टेबल बॉन्ड होगा। ओके देन हम बता सकते हैं अबाउट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का नेचर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है। अगर वो डिफरेंस अधिक होगा तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा, अगर वो डिफरेंस कम होगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। फिर हमने देखा जो बॉन्ड एंगल है उनमें वेरिएशन हमने देखा, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वेस्पर थ्योरी में, ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं। देन कलर ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि हम आयनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं, आयनिक करेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम कलर ऑफ सॉल्ट्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि 20% से कम अगर आयनिक करेक्टर होगा तो वो कलर्ड कंपाउंड होंगे। देन आप बता सकते हैं अबाउट एसिडिक बिहेवियर ऑफ XOH टाइप मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा इन एक्वस मीडियम। देन आप बता सकते हैं एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी एसिडिक नेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। फिर हम बता सकते हैं अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगी। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो डायगोनली प्रेजेंट हैं जो एलिमेंट्स, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर होती है, इसलिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। देन हमने देखा कि हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से बता सकते हैं कि जो फॉर्मेशन जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग इक्वेशन। फिर आपने देखा हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ AB टाइप मॉलिक्यूल। देन वी कैन ऑल्सो गिव द आइडिया अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सेंट्रल एटम की, वैसे वैसे आप देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स विल इंक्रीज। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिटरमिनेशन मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके सो थैंक यू वेरी मच।